वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। दुनिया के लिए खतरा बन चुकी चीन की विस्तारवादी नीतियां लगातार चिंता का सबब बनी हुई है। भारत के साथ भी चीन का पुराना विवाद है। अलग अलग मंचों से भारत चीन को पहले ही तगड़ी लताड़ लगा चुका है, तो वहीं भारत ने चीन को पटकनी देने के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसके बारे में सुनकर जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई है। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमन। भारत और चीन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गलवान की शहादत को भारत कभी भूल नहीं सकता है, और इसीलिए भारत ने समय समय पर चीन को भारी चोट भी दी है। भारत किसी अन्य देश की तरह नहीं है जहां घुसकर आक्रमण किया जा सकता है। इस बात की तस्दीक भारतीय सेना के कारनामे लगातार कर देते हैं। क्वाड देशों की बैठक में भी अक्सर चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ भारत मुखरता से बोलता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार भारत के साथ क्वाड समूहों के एक और देश ने मिलकर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए मास्टर प्लान बना दिया है। दरअसल क्वाड समूह के दो बड़े देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बैठक की और 10 साल से पेंडिंग पड़े करार पर हस्ताक्षर कर दिया। इस दौरान भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन निवेश मंत्री डैन टेहन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच साइन हुए इस बॉन्ड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से चीन की कमर तोड़ी है, उस तरह चीन की कमज़ोर नस को ढूंढ लिया गया है। वो कमज़ोर नस कोई और नहीं है बल्कि है चीन की विशाल आर्थिक शक्ति। चीन में दुनिया भर की कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिनमें भारी मात्रा में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके बाद उन वस्तुओं को सस्ती दरों पर दुनिया के देशों को बेचकर चीन मुनाफा कमाता है। इस कमाई से हासिल पैसों के बल पर ही वो हर साल अपने रक्षा बजट को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, जिसका मुकाबला करना दुनिया के दूसरे देशों के लिए मुश्किल हो जाता है। चीन इन पैसों के बल पर ही लगातार खतरनाक हथियारों का निर्माण करता है और अपनी तीनों सेनाओं के विस्तार के लिए काम में लग जाता है। समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कई सामानों के लिए अब चीन पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। भारत की 95% से अधिक वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ ड्यूटी फ्री कर देगा, यानी उन पर अब किसी भी तरीके की एक्सेस ड्यूटी नहीं लगेगी। बता दें कि टेक्सटाइल, परिधान, चुनिंदा कृषि संबंधित और मत्स्य उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल उत्पाद, आभूषण, मशीनरी, इलेक्ट्रिक सामान, रेलवे वैगन समेत कई ऐसे सामान हैं जिन पर अब बिना टैक्स के ऑस्ट्रेलिया में व्यापार किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको इंपोर्ट किया जा सकता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में इन सभी वस्तुओं पर 4-5% तक टैक्स लगता था। वहीं ऑस्ट्रेलिया सामान को भी अब भारत में विशेष छूट मिलेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की शराब पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर सहमति जताई है। इसके तहत भारत $5 प्रति बोतल मिनिमम इंपोर्ट प्राइस वाली वाइन पर ड्यूटी 150% से घटाकर 100% और $15 मूल्य वाली बोतल पर 75% कर देगा। वहीं कच्ची सामग्री, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती सामानों का भी ऑस्ट्रेलिया से आयात बढ़ेगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच 2021 में द्विपक्षीय व्यापार $27.5 अरब था। भारत ने 2021 में $6.9 अरब का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया था। वहीं $15.1 अरब का ऑस्ट्रेलिया से आयात किया गया था। शनिवार को समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि फिलहाल दोनों देशों में $27.5 अरब का बिजनेस होता है। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर $50 अरब तक पहुंचाया जाएगा। इस फैसले के बाद से ही चीन की सरकारें सदमे में हैं। जिनपिंग के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि वैसे भी भारत ने चीनी सामान पर भारी टैक्स लगा रखा है। कई चीनी ऐप्स को भी बैन किया गया है। जाहिर है इस फैसले के बाद से ही चीन की व्यापार नीति कमज़ोर पड़ती नज़र आएगी, उस पर असर पड़ेगा। तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इस करार को लेकर चीन की आर्थिक नीति भी कमज़ोर पड़ने वाली है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तमाम देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।